Hello students, in the last video we have solved some problems on KVL, KCL, mesh and nodal. Okay, in today's lecture we will solve some numerical on super mesh and super node. We need to understand the concept of super mesh and super node. We need to understand why we need super mesh and super node analysis. Okay, so if I take first question of super node, then this is your question. There is current source of 3 ampere, there is a resistor of 3 ohm, there is a voltage source of 3 volt, again a resistor of 3 ohm and a current source of 3 ampere. Okay, so my question is, we need to determine voltages Vx and Vy by using nodal analysis only. Okay, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोडल एनालिसिस का यूज करके Vx एंड Vy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि जब हम नोडल एनालिसिस लगाने जाते हैं, सपोज करिए अगर मैं Vx पे नोडल लगाता हूं तो ये 3 एम्पियर आपकी इनकमिंग हो गई. ठीक है, सपोज करिए मैं इस 3 ओम के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लूं, सो ये माइनस Vx अपॉन 3 हो जाएगा. लेकिन Vx के साथ ये ब्रांच भी आपकी कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप Vx एंड Vy के बिटवीन जो ब्रांच कनेक्टेड है वो भी आपकी Vx के साथ क्या है, कनेक्टेड है. ओके, सो यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए जाता हूं, सपोज करिए, सो प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, करंट क्या होता है आपका, वोल्टेज डिफरेंस ओके डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो अगर हम इस ब्रांच में देखें तो इस ब्रांच में हमें रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है. So, अगर रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो आप करंट की वैल्यू डिटरमाइन यहां पर नहीं कर सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखें यहां पर रेजिस्टेंस की जगह एक और वोल्टेज सोर्स गिवन है. ओके, सो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू नहीं नोन है, और अगर आपको करंट की वैल्यू नोन नहीं है इस ब्रांच में तो आप नोडल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस ओनली. ओके, हमें कोई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना अलाउड नहीं है, हमें केवीएल यूज करना अलाउड नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नोडल यूज करना है. तो फिर किस तरह से हम कर सकते हैं, तो जब भी हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करना हो और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जहां दो नोड्स के बीच में रजिस्टर की जगह एक वोल्टेज सोर्स ही कनेक्टेड हो, तो इस पोजिशन को या इस सिचुएशन को हम कहते हैं सुपर नोड. तो ये आपका बन चुका है सुपर नोड. और हमें इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एनालिसिस यूज करना है उस एनालिसिस का नाम है सुपर नोड एनालिसिस. ओके, तो सुपर नोड एनालिसिस आपका क्या होता है, सुपर नोड एनालिसिस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप देखेंगे यहां पर कि Vx और Vy के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है और ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर ही क्या बन रहे हैं, आपके सुपर नोड बन रहे हैं. तो आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ Vx Vy और इस 3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है, उसके अलावा आपको पूरे सर्किट में और कुछ भी नहीं देखना है. ओके, क्लियर है पॉइंट यहां तक. तो अगर आप ध्यान से आप देखें यहां पर, तो ये Vx है, Vx 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है आपका. ओके, ये जो Vy है अगेन ये आपका 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूं कि जो पूरी ब्रांच का वोल्टेज है वही नोड में लिखा जाता है. ठीक है, तो अब अगर मैं सिर्फ Vx, Vy और 3 वोल्ट को कंसीडर करूं और एक KVL इक्वेशन लगाऊं तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो फर्स्ट साइन क्या है, माइनस Vx, ओके, देन प्लस 3, ओके, देन क्या है आपका, प्लस Vy, ओके, इक्वल टू 0. ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सुपर नोड एनालिसिस में सिर्फ Vx, Vy और 3 वोल्ट को देखा और एक KVL इक्वेशन हमने लिख लिया. ओके, सो हमने क्लॉकवाइज मूव किया, सो दिस इज माइनस Vx, दिस इज प्लस 3 एंड दिस इज प्लस Vy. नाउ इस इक्वेशन को लिख लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है सुपर नोड एनालिसिस पे वो क्या है आपका, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि अब Vx और Vy दोनों को एक ही नोड मान के या दोनों के इक्वेशन एक ही इक्वेशन में हम लिख लेते हैं, मींस Vx का नोडल इक्वेशन एंड Vy का नोडल इक्वेशन हम दोनों एक ही इक्वेशन में लिख लेंगे और अब
इस 3 वोल्ट की कोई मीनिंग नहीं होगी, मींस अब इस ब्रांच की जो Vx 3 वोल्ट और Vy वाली जो ब्रांच है उसकी अब कोई मीनिंग नहीं है। हमें क्या करना है, Vx का नोडल इक्वेशन और Vy का नोडल इक्वेशन एक ही इक्वेशन में लिख लेना है और इस 3 वोल्ट वाली ब्रांच को एलिमिनेट कर देना है अपने एनालिसिस से, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। ओके, सो अब अगर मैं नोडल एनालिसिस का यूज करूं, बाय नोडल एनालिसिस, सो हम देख सकते हैं यहां पर ये जो आपका 3 एम्पियर है वो क्या है Vx पे इनकमिंग, सो आप लिख सकते हैं प्लस 3। ये जो आपका 3 ओम है के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है आपकी आउटगोइंग, तो आप क्या लिखेंगे माइनस Vx अपॉन 3। नाउ Vy में आप कंसीडर करिए, Vy में जो 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो फिर से क्या है आपकी आउटगोइंग, तो आप क्या लिखेंगे माइनस Vy अपॉन 3। उसके बाद जो आपकी 3 एम्पियर की जो करंट है Vy पे वो क्या है आपकी इनकमिंग, सो आप क्या लिखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने बेसिकली किया क्या, Vx का इक्वेशन जो था वो क्या था 3 एम्पियर इनकमिंग एंड 3 ओम के अक्रॉस करंट आउटगोइंग, सो माइनस Vx अपॉन 3। सो ये आपका Vx तक का इक्वेशन था। Vy तक का इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या था माइनस Vy अपॉन 3 एंड ये क्या था आपका प्लस 3, सो ये Vy वाला इक्वेशन था। ओके, सो हमने दोनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन में लिख दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ हमने इस ब्रांच को कंसीडर नहीं किया क्योंकि इसके लिए हमने ऑलरेडी KVL इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में लिख लिया था। ठीक है यहां तक। सो अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है जो कौन सा इक्वेशन है KVL, इक्वेशन नंबर 2 है जो नोडल इक्वेशन है। दोनों ही इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो Vx Vy, Vx एंड Vy दो दो अननोन है। अगेन आप सिंपल मैथ से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ Vx एंड Vy। ओके, सो ये आपका सुपर नोड एनालिसिस होता है। ठीक है, सो आपको आगे से क्या ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सर्किट में अगर दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो और कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो तो वो एनालिसिस क्या कहलाएगा आपका सुपर नोड एनालिसिस। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सुपर नोड एनालिसिस में अगर ध्यान से समझे इस चीज को कि हमें केवीएल भी चाहिए था और केसीएल भी चाहिए था, ठीक है, जबकि नोडल एनालिसिस में हमने सिर्फ केसीएल का यूज किया था। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें चाहे नोडल हो चाहे सुपर नोडल हो, जब आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज करिए 3 ओम के अक्रॉस मैंने करंट कैलकुलेट की तो क्या किया V अपॉन 3, दैट इज अगेन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ही होता है ना आपका V इज इक्वल टू आई आर। तो आप ओम्स लॉ तो नोडल में भी यूज कर सकते थे और सुपर नोडल में भी यूज करते हो, लेकिन सुपर नोड में फर्क क्या है आपका कि आप KCL और KVL दोनों यूज करते हो। तो नोडल की अगर बात करें हम सिंपल, तो नोडल में आप क्या क्या यूज करते थे, KCL प्लस ओम्स लॉ। ओके, लेकिन सुपर नोड में आप क्या क्या यूज करते हो, सुपर नोड में KCL प्लस KVL प्लस ओम्स लॉ। ओके, सो ये यहां पर चेंज हो जाता है। कई बार थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं इन पॉइंट्स पे, तो आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट। ओके, सो ये हमारा था सुपर नोड एनालिसिस। अब इस एनालिसिस में एक और पॉइंट है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करता हूं। सपोज करिए जो है आपका सुपर नोड बना था लास्ट क्वेश्चन में 3 वोल्ट Vx एंड ये आपका क्या था Vy, मैं सिर्फ एक ही ब्रांच कंसिडर कर रहा हूं लास्ट क्वेश्चन की। सो अगर इस सुपर नोड के पैरलर में सपोज करिए अगर कोई रजिस्टर होता, सपोज करिए 2 ओम का रजिस्टर, सो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि आप सुपर नोड को एलिमिनेट करने के लिए केवीएल इक्वेशन का यूज करते हैं जैसा आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। ओके, और हम लोग जानते हैं केवीएल इक्वेशन में आप वोल्टेज का अलजेब्रिक सम करते हैं। ओके, सो आप जब वोल्टेज कंसिडर करेंगे सिर्फ वोल्टेजेस केवीएल लगाते समय, तो जो वोल्टेज आपका 3 वोल्ट है सेम वोल्टेज आपका 2 ओम के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि 3 वोल्ट और 2 ओम किस में है आपके पैरेलल में है। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह से लूप चला लीजिए माइनस Vx प्लस 3 प्लस Vy, या आप माइनस Vx देन 2 ओम के अक्रॉस भी क्या है प्लस 3 प्लस Vy, तो दोनों ही सिचुएशन आपकी सेम होगी, इक्वेशन आपका सेम रहेगा। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि सुपर नोडल एनालिसिस में अगर कोई पैरेलल रजिस्टर है वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, सो वी कैन एलिमिनेट दैट रजिस्टर, हम उस रजिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं
उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे इक्वेशन में, सो वी कैन एलिमिनेट, ठीक है, हम उस रजिस्टर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है अच्छे से आप लोग को सुपर नोड एनालिसिस में, ठीक है, सो पहला रजिस्टर इन केस ऑफ सुपर नोड एनालिसिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इट हैविंग नो अफेक्ट ऑन द इक्वेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है सुपर मैश का, ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, सपोज करिए देयर इज अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 5 वोल्ट, रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड देयर इज अ करंट सोर्स ऑफ 3 एम्पियर्स, देयर इज अ अगेन अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वोल्ट्स, ओके। नाउ यहां पर आपकी दो लूप्स पे दो करंट्स हैं, एक है I1 और एक है आपकी I2, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसपे हमें पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 यूजिंग मैश एनालिसिस ओनली, हमसे सिर्फ और सिर्फ मैश एनालिसिस पूछा गया है, उसके अलावा हमें और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां नोडल अप्लाई करना बहुत इजी होता, सिर्फ एक ही नोड है और दूसरा नोड तो आपका ग्राउंड है नीचे वाला, बहुत इजी हो जाता, बट हमें सिर्फ मैश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो हम किस तरह से अब सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं फर्स्ट मैश में केवीएल लगाता हूं तो कितना हो जाएगा, -5 +2I1, बट प्रॉब्लम क्या हो गई, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज हमें नहीं पता, अगर मैं इसको वीएक्स मान भी लेता हूं सपोज करिए, तो फिर जब मैं सेकेंड लूप में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, फिर से ये वीएक्स आ जाएगा +2I2 +10, तो आप देखेंगे ये जो vx है वो इक्वेशन नंबर 1 में भी फिर आएगा और इक्वेशन नंबर 2 पे भी आएगा, ठीक है, और दोनों इक्वेशन में I1 I2 आने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में I1 आने वाला है और इक्वेशन नंबर 2 में I2 आने वाला है, तो आपके तीन तीन अननोन हो जाएंगे और सिर्फ इक्वेशन कितने थे हमारे, दो है। इसका मीनिंग क्या है कि इस vx की वैल्यू अननोन होने के कारण हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नोन नहीं है, जिस वजह से हमारे तीन तीन अननोन हो गए हैं, I1 भी हो गया, I2 भी हो गया, और यहां पर अगर Vx ले लूं प्लस माइनस Vx, तो प्लस माइनस Vx भी आपका क्या है, अननोन है। तो ऐसी सिचुएशंस पे हम क्या करते हैं, हम मैश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अब हम मैश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग मैश एनालिसिस ओनली, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे सुपर मैश एनालिसिस, ओके। ये क्या होता है, देखिए ये जो करंट सोर्स है और ये जो I1 I2 करंट्स है, ये जो कंप्लीट जो आपकी जो पोजीशन है ये कहलाती है सुपर मैश, दिस सुपर मैश, ओके। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था सुपर नोड, वैसे ये होता है सुपर मैश। अब अगर मैं सुपर मैश एनालिसिस लगाना चाहता हूं, तो हमने लास्ट में जब सुपर नोड पढ़ा था तो हमने पहला इक्वेशन लिखा था केवीएल, तो यहां पहला इक्वेशन लिखेंगे केसीएल। तो केसीएल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है और क्यों लिखेंगे, हम इसलिए लिखेंगे ताकि हम इस 3 एम्पियर के अफेक्ट को एलिमिनेट कर सके, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में 3 वोल्ट के अफेक्ट को एलिमिनेट किया था, ओके। सो अब अगर हमें करना क्या है, हमें इस 3 एम्पियर ब्रांच में टॉप साइड या बॉटम साइड कहीं भी हम केसीएल लगा सकते हैं, तो मैं बॉटम साइड चूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे जो 3 एम्पियर है वो क्या है, आउटगोइंग है, सो दिस इज योर -3, ओके। अब ये जो I1 है, I1 क्या है, ध्यान से देख सकते हैं ये क्या है आपकी आउटगोइंग, सो -I1। ये जो I2 है इस नोड पे क्या हो रही है आपकी इनकमिंग, सो क्या हो जाएगा आपका +I2 = 0। तो ये आपका हो गया KCL इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ KCL इक्वेशन लिख लेने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि इस 3 एम्पियर को हम अब नेग्लेक्ट कर देंगे और हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों लूप एक ही हैं। दैट मींस हमें क्या करना है, जो लूप 1 है उसका इक्वेशन और लूप 2 का इक्वेशन एक ही इक्वेशन में लिख लेना है, ओके। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, सपोज करिए लूप 1 के लिए अगर मैं कंसिडर करता हूं तो क्या होगा, -5 +2I1, ओके। आगे क्या हो जाएगा आपका, लूप 2 में आप आ जाइए, अब क्या हो जाएगा, I2 कैसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा 2I2 + 2I2, ओके। और आगे क्या हो जाएगा, ये +10,
ओके इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2. तो अब अगर आप ध्यान से समझें इस चीज को, हमने क्या किया, इक्वेशन जो 2 लिखा है उस पे हमने पहले सिर्फ लूप 1 का इक्वेशन लिखा, -5 + 2i1. लूप 1 में और कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें 3 एंपियर अब नहीं लेना है. दूसरे लूप में क्या था, 2i2 + 10. दोनों इक्वेशन हमने एक साथ लिख लिए, लूप 1 का एंड लूप 2 का. तो अब अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही अननोन है और आपके दो ही इक्वेशन है. तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, ओके आप घर में सॉल्व कर सकते हैं और i1 i2 के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके नाउ अब अगर हम एक चीज और कंसीडर करें यहां पर, कि जैसा हमने सुपर नोड में क्या कहा था कि सुपर नोड जो होता है KCL प्लस KVL प्लस ओम्स लॉ होता है, जबकि जो नोड होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ KCL प्लस ओम्स लॉ होता है. अगर हम सिर्फ मैश की बात करें, अब अगर सिर्फ मैश एनालिसिस यूज करते हैं अगर हम, तो मैश एनालिसिस आपका क्या होगा, क्या होता है आपका KVL प्लस ओम्स लॉ. ओम्स लॉ तो हर जगह अप्लाई होगा, जहां भी आप वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रजिस्टर करते हो तो आपका ओम्स लॉ आना ही आना है. ठीक है, अगर मैं आप सुपर मैश की बात करता हूं तो सुपर मैश में क्या हो जाएगा आपका, हमने देखिए यहां पर KCL भी अप्लाई किया था, KVL भी अप्लाई किया है और ओम्स लॉ भी अप्लाई किया है. तो ये क्या हो जाएगा, KCL प्लस KVL प्लस ओम्स लॉ. ओके तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, सुपर मैश एनालिसिस. क्लियर है पॉइंट आपको यहां तक? ओके एक और कंसेप्ट है सुपर मैश में. सपोज करिए अगर मैं इस 3 एम्पियर की करंट को कंसिडर करूं, जो आपका करंट सोर्स था, और ये जो आपका i1 था और ये आपका जो i2 था, आपने जो फर्स्ट पॉइंट यहां पर KCL लगाने का किया था. अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, सपोज करिए यहां पर एक 10 ओम का रजिस्टर होता इन सीरीज विद द 3 एम्पियर करंट सोर्स. ओके 3 एम्पियर करंट सोर्स के अफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, KCL अप्लाई किया था. ओके तो अब अगर हम KCL अप्लाई करते यहां पर इस नोड पे, तो क्या होता, फिर से i1 आपकी क्या होती, आउटगोइंग, सो माइनस i1. i2 क्या होती, इनकमिंग, सो क्या होता, प्लस i2. अब KCL में क्या देखते हैं हम लोग, करंट देखते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच के अक्रॉस. सो ये जो आपकी इस नोड पे जो इस ब्रांच से करंट जा रही है वो क्या है, आपकी आउटगोइंग है, और वो क्या है, 3 एम्पियर ही है, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होती है. तो इस 10 ओम के अक्रॉस भी आपकी क्या होगी, 3 एम्पियर ही होगी. सो ये 10 ओम रजिस्टर चाहे प्रेजेंट हो चाहे अब्सेंट हो, आपको वैल्यू तो यहां पर माइनस थ्री ही लिखनी होगी आपको वैल्यू, क्योंकि ये करंट आपकी क्या है, आउटगोइंग है. ओके सो इस सीरीज रजिस्टर का कोई अफेक्ट आपका नहीं आने वाला है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो अब्सेंट हो. सो क्या एनालिसिस निकल कर आया यहां पर, कि इन सुपर मैश एनालिसिस इफ सीरीज रजिस्टर इज प्रेजेंट विद द करंट सोर्स, देन वी कैन नेग्लेक्ट दैट सीरीज रजिस्टर, इट हैविंग नो अफेक्ट ऑन द KCL इक्वेशन. ओके सो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सुपर मैश का एंड सुपर नोड का. ओके क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है, तो अभी मैं सुपर मैश सुपर नोड के सिर्फ एक एक एग्जांपल ही ले रहा हूं. जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम और भी ढेर सारे एग्जांपल करेंगे सुपर मैश सुपर नोड KVL KCL एंड सो ऑन. ओके आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा सुपर मैश एंड सुपर नोड का. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं. ओके थैंक यू.